का आधा, आधा मतलब इसको आधा बोलते हैं, 4/3, तथा उसका परिमाप, परिमाप किसे बोलेंगे? परिमाप बेटा ये जो त्रिभुज की लंबाई है, मान लो हम एक त्रिभुज को किससे बनाए, इससे मिलकर के बनाए है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3। इसकी लंबाई कितनी है? 3। और इसकी लंबाई कितनी है? 3। ठीक है, इसकी लंबाई 4 मान, ठीक, तो कितनी हो गई कुल लंबाई? 3, 3, 6, 4, 10। तो उसकी कुल लंबाई ही उसकी परिमाप है। क्या बोला मैंने? परिमाप किसे बोलेंगे? त्रिभुज की कुल लंबाई, उसकी क्या कहना जी? परिमाप। मतलब ये जो है त्रिभुज की परिमाप है, त्रिभुज का क्या होता? परिमाप। तो ये हो गया, और उसका परिमाप, परिमाप को मतलब ये वाला, यहाँ तो पहले माना भुजा त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा, भुजा किसे ले लें? इसको ले लें और इसको ले लें, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी? एल। और त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना बेटा? 4/3। और परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ये दिया देखो, 4/2/15। और त्रिभुज का परिमाप क्या बोला था मैंने अभी? ये त्रिभुज की कुल लंबाई, ये भुजा की लंबाई प्लस ये भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा की लंबाई, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज के परिमाप में इसको क्या ले लिया? एक्स प्लस एक्स, ये दोनों जुड़ गए तो ये भी जुड़ेगा, क्योंकि अभी बोला था कुल लंबाई 4/3 = 2। इसको हल कर ले क्या? इसको पहले हल कर लेते हैं, कितना होगा बेटा? 15 × 60 = 62, 62/15। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं इसको? टोटल 62/15। इसको दोनों को जोड़ लो, 2x 4/3 = 62/15। पक्षांतर कर लो, तो 2x + 4/3, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बेटा? 62/15 - 4/3, क्योंकि पक्षांतर वक्त कितना जाएगा, क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चलो इसका और इसका एलसीएम ले लो, 2x = 15, और 3 का एलसीएम कितना आएगा? जब भी यदि किसी संख्या में इसका भाग चले जाए तो बड़ी संख्या रहती है, तो कितना आएगा बेटा? 15, ठीक है। अब नीचे सेम टू पर भी सेम, और इसका भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 5 बार, 5 को गुणा कर दो, 5 × 20। ये समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं, इससे इसको घटा दो, कितना बचेगा? 2 4/15। इसको इसके बटे में डाल दो, गुणा वाला कहाँ जाता है? सॉरी, हाँ गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। चलो करिए फिर, x = 42/15 गुणा, ये गुणा वाला कहाँ से ले लिया? भाग में। x = 42/15 × 30 कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 से काटो, 15 × 2 = 30। फिर ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो x बराबर कितना आ गया? 7/5। x क्या माने तुमने? त्रिभुज की भुजा है ना, तो इसकी 2 भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज की भुजाएं की माप क्या हो जाएगी आंसर में? 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखिए एक बार और समझा दें क्या? सबसे पहले आपको क्या बोला उसने कि समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा मतलब ये भी एक्स तो ये भी एक्स होगी। फिर उसका आधार कितना दिया प्रश्न में? 4/3, 4/3 है। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना दिया? 4/2/15 दिया। तो हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि बटे में रखना पड़ेगा, तो 15 × 60 = 62, 62/15। फिर त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बनता है, क्या बनता है? त्रिभुज की कुल लंबाई, त्रिभुज की कुल लंबाई ये प्लस ये प्लस ये, इसको प्लस इसको प्लस इसको, देखो करके बराबर ये। इसको हल करेंगे तो पक्षांतर करेंगे, तो प्लस वाला माइनस में चले जाता है, और फिर इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, फिर इसको गुणा वाला भाग में चले जाएगा, काट देंगे तो 7/5। तो त्रिभुज की भुजाएं लंबाई निकल के आ जाती कितनी? अगर हम इसको आगे हल करें इस रूप में लाए परिमाप, तो कैसे करेंगे? इसका इससे भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या आएगा? ये आ जाएगा, और आंसर कितना निकल के आएगा?
जो भागफल आएगा वो सही में आ जाएगा, और जो शेषफल है वो अंश में, तो आंसर कितना आएगा ये वाला, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 95 है, तो हमको पहले तो संख्याएं पता करनी चाहिए, दो संख्याएं कौन कौन सी है ना। तो कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, तो हमने एक बार पता है इसको समझने के लिए इस से को मिटका दें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 15 दी है। तो आप यदि इस से को मिटका देंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, दूसरी 15 दी है, बोल रहा है। तो माना पहली संख्या एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, बोलो। दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो एक्स प्लस 15 हो जाएगी, होगी ना। फिर प्रश्न अनुसार क्या होगा कि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस, तो दोनों संख्या मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, x प्लस 15, योग कितना है 95 है। चलो कितना हो गया, x x 2x प्लस 15 बराबर 95। पक्षांतर कर दो, 2x इज इक्वल टू 95, माइनस कट में हो जाएगा प्लस वाला, 2x इज इक्वल टू, इससे इसको घटा दो, कितना बचा बेटा 80। गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो 2 से काट दो 40, 0 का 0, तो x बराबर कितना निकल गया 40। x क्या है, पहली संख्या है, तो पहली संख्या कितनी निकल गई 40। दूसरी संख्या क्या निकलेगी बोलो, x का मान रख दो, है ना, x का मान रख दो यहाँ पर, तो x का मान कितना बेटा 40 प्लस 15, कितनी निकल जाएगी 55। पहली संख्या कितनी होगी 40 और दूसरी संख्या 55, ऐसा मत, ठीक है, एक बार समझा दे। और दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या, तो हमको पहली संख्या x लेनी, ठीक है, दूसरी से 15 अधिक है, तो मैंने क्या किया, समझाने के लिए इस से को मिटा दिया, तो दूसरी 15 अधिक है ना, तो दूसरी को क्या कर दिया हमने 15 अधिक कर दिए। फिर प्रश्न अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों का योग, योग कर दिए कितना है 95 कर दिए, ठीक है, तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x। फिर गुणा प्लस वाला पक्षांतर करें तो माइनस में, इससे घटा दो कितना बचा 80, और इससे काट दीजिए कितना आ जाएगा 40। पहली संख्या x का मान, तो पहली संख्या x की जगह रख दो, दूसरी संख्या पर x का मान रख दो, संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमको संख्या मानना पड़ेगा, है ना, माना कि संख्या क्या है x है, माना संख्या x है, तो पहली संख्या पांच एक्स हो जाएगी, इसके साथ गुणा कर दें, ठीक है, दूसरी संख्या इसके साथ एक्स गुणा कर दें 3x, ठीक है। अंतर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, इनमें अंतर, तो इन दोनों में अंतर 5x माइनस 3x कितना है 18, तो ये 18 है, सिंपल, इससे इसको बढ़ा दो, 2x इज इक्वल टू 18, गुणा का कहा जाता है भाग में, 9 दुनी 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो संख्या निकल गया अभी 9, तो पहली संख्या x के जगह कितना रख देंगे 9, पहली संख्या 5 गुणा 9, 9 5 45, दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी बोलो 3 गुणा 9, 9 का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x का मान कितना है 9, तो 9 किया 27, ये आंसर होगा। एक बार और समझा दे, देखो सबसे पहले तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो संख्या को मान लेना है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या निकल जाएगी ये वाली 5x, दूसरी संख्या 3x, तो इनमें अंतर बोल रहा है तो माइनस करना पड़ेगा इस संख्या से इस संख्या को, है ना, फिर इससे जब माइनस करेंगे तब बचेगा 2x, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, इससे काट देंगे, पहली संख्या में x के जगह 9 रख देंगे और दूसरी संख्या में x की जगह